Governor Sam Hamaresas! Governor Sam Hamaresas! We want justice! Fire and emergency department! अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम खुर्शीद अहमद परे है। हम यहां पे फायर एंड इमरजेंसी के आस पास जमा हुए हैं, जिसमें ड्राइवर भी है और फायरमैन भी यहां पे जमा हुए हैं, जो कि ड्रॉप आउट हुए हैं इस लिस्ट से। सर, हमने इससे पहले भी कहा था कि इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है इस लिस्ट में, जो कि फायर एंड इमरजेंसी ने पिछली अक्टूबर 3 तारीख को शाया किया था। उस लिस्ट में बिल्कुल धांधलियाँ पाई जा रही हैं। उसमें यह पाया जा रहा है कि रिलेटिव बेसिस पर लड़कों को सिलेक्ट किया गया है, जिनके रिलेटिव ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उन्हीं लड़कों को वहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। एक एक पीएचडी रोल नंबर पर दो दो लड़के सिलेक्ट हुए हैं। आप इसमें देखिए, 2013 में हमने फॉर्म भरा, 3 बार इसका लिस्ट कैंसिल हुआ इस बुनियाद पे कि इसमें धांधली हुई है, और जब 4थी बार ये लिस्ट शाया कर रहे हैं तो ये भी पूरा धांधली से भरा हुआ है। सर, आप देखिए, 2013 में फॉर्म भरा है, नोटिफिकेशन 2013 की है, लड़के जो कि ड्राइवर सिलेक्ट हुए हैं उनके पास जो हिल लाइसेंस है वो 2016 में इशू हुई है। सर, तो 2013 में जब फॉर्म भरा है लड़के ने, तो उसको तो उस वक्त लाइसेंस होनी चाहिए, हिल लाइसेंस। लेकिन देखिए, ये उन ड्राइवरों का लिस्ट हमारे पास मौजूद है जो कि 2016 में, 2017 में और 2018 में अपनी लाइसेंस इशू करवा के लाए एआरटीओ दफ्तर से। हमने वहाँ पे आरटीआई भी किया है और पूरी जानकारी हमारे पास मौजूद है। डिपार्टमेंट ने एक ईमेल ग्रीवेंस सेल निकाली कि अगर आपको ग्रीवेंस है आप दर्ज कीजिए। हम पिछले 6 तारीख को वहाँ पे ग्रीवेंस दर्ज करते हैं, लेकिन आज तक डीजी साहब हमें कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। डीजी साहब ने, हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब इस मसले को देखें। हम उनको टाइम देते हैं सैटरडे तक, संडे तक अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ, अगर ये लिस्ट कलमदम नहीं हुआ, तो हम मंडे से हंगर स्ट्राइक पे जाने के लिए तैयार हैं। और हमारी हंगर स्ट्राइक तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे मसले को हल नहीं किया जाएगा।